चास पुलिस ने 10 किलो गांजा के साथ गांजा का व्यापार करने वाले दो लोगों को चास के धर्मशाला मोड़ से गिरफ्तार किया। पुलिस को मिली गुप्त सूचना के आधार पर मोटरसाइकिल पर दो लोग गांजा लेकर पटेल नगर होते हुए जा रहे थे। इसकी सूचना पर थाना प्रभारी अमिताभ राय ने पुलिस बल के साथ पटेल नगर पुरुलिया रोड के लिए निकले। पटेल नगर पुरुलिया रोड के पास पहुंचकर सारे फोर्स को फैलाकर छुपकर मोटरसाइकिल के आने का इंतजार किया। जब मोटरसाइकिल आई तो उसे पुलिस पदाधिकारी ने रोका। इस पर सवार दो व्यक्ति एक सफ़ेद रंग का थैला लेकर बैठा था, जिसमें लगभग 10 किलो गांजा मिला। इस मामले में दोनों बाइक सवार विनोद कुमार व सरोवर कुमार को गिरफ्तार किया गया है। डीएसपी भगवान दास ने बताया कि गिरफ्तार विनोद कुमार पूर्व में भी गांजा तस्करी के मामले में जेल जा चुका है। मोटरसाइकिल पर गुप्त सूचना मिली कि मोटरसाइकिल पर गांजा लेके जा रहा है। उसके बाद छापामारी के धमजाला चौपर मोड़ उधर से आया मोटरसाइकिल पर, उसको चेक किए तो एक बैग में 10 किलो गांजा पकड़ाया। फिर उसको जब्त किया गया, जब्त करके केस करके भेजा जा रहा है। अभी सरोवर कुमार और विनोद कुमार लाल, विनोद कुमार लाल पहले भी जेल जा चुका है गांजा के केस में। एक डमी पिस्तौल पकड़ाया है, लगता है वो डराने के लिए रखा है, यानी कोई उसको विरोध करेगा तो उसे डराएगा। कहाँ से लाया था गांजा सर, क्या बताया? ये अनुसंधान किया जा रहा है। कितना गांजा सर पकड़ाया है? 10 किलो गांजा पकड़ा। क्या रेट हो सकता है मार्केट में? अभी मार्केट वैल्यू अगर देखा जाए तो 9-10 लाख रुपया होना चाहिए।